हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, हमारी इंडियन रेलवेज में कई टाइप की ट्रेनें चलती हैं, जैसे कि सुपर फास्ट, मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो। दोस्तों, इन ट्रेनों की कैटेगरी उनके मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, सर्विस और स्टॉपेज की संख्या के आधार पर किया गया है। जैसे कि अगर किसी ट्रेन का एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर या उससे ऊपर हो और उनका लिमिटेड स्टॉपेज हो, तब उन्हें सुपर फास्ट कैटेगरी में रखा जाएगा। इसी तरह अगर किसी ट्रेन की एवरेज स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर से अधिक हो और उनका भी मेन स्टेशनों पर स्टॉपेज हो, तब उन्हें एक्सप्रेस ट्रेन की कैटेगरी में रखा जाता है। दोस्तों, और इन ट्रेनों की कैटेगरी के हिसाब से इनका किराया भी अलग अलग लिया जाता है। दोस्तों, हमारी इंडियन रेलवेज में कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें एक्सप्रेस ट्रेन की कैटेगरी में रखा गया है और उनका किराया भी एक्सप्रेस ट्रेन के बराबर ही लिया जाता है, लेकिन वह चलती पैसेंजर ट्रेन की तरह है, यानी कि वह हर स्टेशनों पर रुकते हुए जाती हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी ट्रेनें जो हर स्टेशन पर रुकती हैं, फिर भी उनका किराया एक्सप्रेस ट्रेन के बराबर क्यों लिया जाता है। दोस्तों, इंडियन रेलवेज में ट्रेन का किराया उस ट्रेन की कैटेगरी के हिसाब से तय किया जाता है, न कि स्टॉपेज के अनुसार। किसी ट्रेन की कैटेगरी का मतलब है कि वह सुपर फास्ट, एक्सप्रेस, पैसेंजर, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी का किराया अलग अलग होता है। दोस्तों, यहाँ पर ट्रेन के स्टॉपेज का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि किसी ट्रेन का स्टॉपेज गांव, शहर की आबादी, डिमांड और मिलने वाले यात्रियों की संख्या के अनुसार तय की जाती है। दोस्तों, कुछ गाड़ियां जो बहुत पहले समय से चल रही हैं, क्योंकि उस समय ट्रेनें बहुत कम चलती थी, इसलिए ऐसी ट्रेनों का स्टॉपेज लगभग सभी स्टेशनों पर होता था। इसीलिए ऐसी ट्रेनों का स्टॉपेज आज भी ज्यों का त्यों है, लेकिन समय के साथ इन्हें एक्सप्रेस ट्रेनों में कन्वर्ट कर दिया गया। इसीलिए सभी स्टेशनों पर रुकने के बाद भी ऐसी ट्रेनों का किराया एक्सप्रेस ट्रेन के बराबर लिया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आप में से कितने लोग इस टाइप के ट्रेन में सफर किए हैं जो सभी स्टेशनों पर रुकते हुए चलती तो पैसेंजर ट्रेन के जैसी है, लेकिन उनका किराया एक्सप्रेस के बराबर लिया जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को इसकी जानकारी हो सके। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।